आज जो है हमारा पेस्ट ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोर्ड ग्रेन एंड देयर मैनेजमेंट का पेपर था और काफ़ी सदमे में थे लोग, क्योंकि पेपर आने के बाद जो है जो आना चाहिए था पेपर में वो नहीं आया और लोग पेपर देख के काफ़ी सदमे में थे और पेपर भी दिखाते और लोगों के रिएक्शन भी लेते कैसा क्या उनका पेपर गया है। तो हमारे साथ में राजदीप जी, प्रफुल्ल और नयन पटेल जी बैठे हुए हैं और आज जो है एंटमोलॉजी का आ रहा है, जो भी है जो एंटमोलॉजी का पेपर था। तो पाटिल जी, आप काफ़ी तैयारी करके आए थे, रात भर आपने पढ़ाई की थी, तो कैसा क्या परिणाम रहा? पहली बार मैंने सप्लीमेंट्री कॉपी ली। हाँ, आज पहली बार पाटिल जी ने सप्लीमेंट्री कॉपी ली थी। जहाँ जिस पेपर में कोई सप्लीमेंट्री नहीं ले पाया उस पेपर में पाटिल जी ने सप्लीमेंट्री ली आज। यही तो मानता है, यही मानता है और क्या। और नहीं बने आपने बनता है सब। हाँ राजदीप, आपका कैसा पेपर गया? देखो, हमारी सबसे पहली किस्मत इतनी खराब है कि सबसे पहली बेंच पर मैं बैठा हूँ। हाँ। और मेरे सामने बैठे टीचर, तो मैं ना किसी से पूछ सकता हूँ। उसके बाद पेपर तो बहुत क्या ही बोलूँ, बहुत बेकार आया था। बाकी पास हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, पास की दिक्कत नहीं है। और पटेल साहब, आपका कैसा गया? मेरा तो कुछ ठीक नहीं गया, 25 आ जाए वही भगवान की दया होगी, ऊपर वाले की बस, बाकी नहीं आया मुझे तो, सब अंडे संडे लिखा है कुछ भी कुछ। हाँ तो व्लॉगर, तेरा कैसा गया? अपना भी अच्छा गया है, देखते हैं पास हो जाए तो हो जाए, बैक में भी कोई दिक्कत नहीं है। एक बैक तो लगनी चाहिए डिग्री में, अगर एक बैक नहीं लगे तो फिर क्या काम की डिग्री? काहे की डिग्री फिर? क्या पूछूं तेरे से, तू ऐसे भी कहीं नहीं आता तेरे को इनसे। और ये चाय पर चर्चा चल रही है एग्जाम देने के बाद कैंटीन में, जवाहर स्वल्पाहार गृह, पांच ऑप्शन के लिए 8 ऑप्शन लिखे गए क्योंकि 3 का पता नहीं, तू क्या बोल रहा है ये भी नहीं पता। तो अभी जो है हॉस्टल आ गए हम और हमारे साथ में कुर्मी जी। हाँ कुर्मी जी, तो कैसा क्या पेपर गया आपका आज? पेपर बहुत अच्छा आया था लेकिन गया बहुत खराब। अरे पटेल, क्या हो रहा है? तो मतलब जो पेड़ी वगैरह का सोचे गए थे, सोयाबीन वगैरह का, गंदी वक्त तो दूर दूर तक नहीं देखा, उसमें गंदी वक्त होता भी है। आया भी नहीं था फिर भी हम लेकर आए हैं, बाकी पेज भरा, पेज भरे के अनुसार हो जाए पास तो हो जाए, बाकी हमारा भाई बता। आज अपनी स्थिति ऐसी है कि 5 ऑप्शन देने पर हम नौ लिख के आए हैं ताकि वो चेक करें कि 5 तो सही हो कम से कम, इस प्रकार से अपन ने लिखा है आज। तो और अपने बैग वैग ना लगे, भगवान से यही अपनी गुजारिश है। और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हाल है हमारे साथियों के। तो हॉस्टल में आ चुके हैं और ये डिस्कशन चल रहा है यहाँ पर पेपर का, एक बार कैसा गया इनसे पूछते हैं। और ये पीछे दीपे सारा, इससे तेरे से पूछेंगे टेंशन मतलब। तो आज अच्छा गया इंटरा पढ़ने, पेपर देने के बाद यहाँ पर आराम चल रहा है। तो कैसा क्या, ये टॉपर लोग इतने ही बैठे यहाँ पे, मनीष लोधी सब टॉपर लोग है, सबके सब टॉपर लोग है, ये ब्रीडर टॉपर, यस जतिन चौधरी टॉपर, इधर अभिषेक टॉपर, मनीष लोधी स्वयं एग्रोनॉमिस्ट हमारे बीच में, चार के चार ब्रीडर बैठे हुए हैं। देखो ऐसा है कि जाना तो था सूखा सूखा, लेकिन वो चला गया है गीला। फील्ड क्रॉप पड़ गए, ऐसा हमने एक भी फील्ड क्रॉप नहीं देखी, दो दो नंबर में कि पेपर नकल से करो चाहे कल से, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। हमने किया फॉलो नकल से, हमने बिल्कुल भी नकल नहीं की क्योंकि हमारे पास नकल करने का कोई ऑप्शन नहीं था। तो मतलब क्या कैसा रहा पेपर, मतलब जो सोचा था कि फील्ड क्रॉप आएगी, लेकिन क्या फील्ड क्रॉप आई? गए थे हम, पेपर इज लाइक बहुत कम आया, ब्राउन प्लांट होपर का मैनेजमेंट आया, येलो स्टेम बोरर का डैमेज आया, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं आया। क्वेश्चन आया बस, दो नंबर कोकोनट आ गया था उसमें, हमने सुना और देखा भी और करके भी आए, कोकोनट हमको नहीं आया, कोकोनट आ गया, रोज आ गया था उसमें, प्लांटेशन क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप आ गई थी उसमें, हमको नहीं आई प्लांटेशन क्रॉप। और वो वहाँ हमने पढ़ी नहीं स्पाइसेस क्रॉप, पढ़ी नहीं वो आ गई, कौन सी होती है? पेपर इज लाइक एमए की किताब और हम छठी क्रॉप में आई थी, इंसेक्ट इंसेक्ट
हाँ इंसेक्ट ना तो क्रॉप में ही तो इंसेक्ट लगेंगे। इसके लिए कम से कम हमको 6 महीने का टाइम चाहिए जब हमें कुछ पढ़ पाएंगे। हमने खाली नया इंतजाम करो कि बैक का प्रोसीजर क्या होता है। बैक के लिए हमको रिवेल भरनी पड़ेगी जो कि स्पेशल एग्जाम होगी क्योंकि हम रावे में चले आएंगे तो उसके लिए हम बता दें स्पेशल एग्जाम जो होती है उसमें मिड टर्म नंबर यही रहते हैं। हाँ। थ्योरी नंबर फिर से वही बढ़ाने मतलब वही है फिर से पेपर 40 नंबर मिल रहा है। हम चाहते हैं राजपटेल ब्लॉग से कि वो एक वीडियो बनाए जिसमें रिवेल का पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन किया जाए। नंबर नहीं पड़ेंगे उससे रिवेल से। तो अगर आपको सभी को अगर पता हो तो ये पेपर जो है ऑस्ट्रेलिया से बन के आएगा क्योंकि हमारे जो कोर्स टीचर है सक्सेना जी वो ऑस्ट्रेलिया में और उन्होंने वहीं पे वो पेपर बनाया था और वहीं से ये पेपर ईमेल करके भेजा था। तो ये जो है हाई लेवल पेपर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। बीच में मॉडिफाई हो गया ना डिस्टेंस ज्यादा था तो आज का यही था हमारा। अपनी अच्छी खासी मरी हुई है पेपर में। हाँ बिल्कुल देखते हैं किसके किसके बैक लगते हैं। मेरा एक विनर निवेदन है राज पटेल ब्लॉग से कि वो बैक का प्रोसीजर का एक वीडियो बनाए और साथ में रिवैल्यूएशन के प्रोसीजर का एक वीडियो बनाए। बिल्कुल जैसे ही बैक लगेगी हमको उसी दिन हम जो है बैक का पूरा प्रोसेस लिखेंगे कि कैसे क्या एग्जाम होती है कैसे स्पेशल एग्जाम कराई जाती है जो रावे पे जाते हैं उनके बढ़ जाए। नहीं हमारे राहुल इनामा जी है इनके जो है 3 नंबर थे प्लांट फिटिंग में बैक लगी थी तो इन्हें रिबेल डाला तो इनके जो है 4 नंबर से बैक लग गई 5 नंबर से बैक लग गई। तो रिबेल से भी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। कोई उम्मीद नहीं है आपको बैक के जो एग्जाम है अगर आपको लगता है आपको बैक लग रही है तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दे। तो फिर हम बैक के बाद एक और ब्लॉग बनाएंगे अगले साल बैक देंगे उसके बाद। हाँ उसके बाद उसका भी रिएक्शन एक ब्लॉग हमारा रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन होगा। हाँ रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन एक ब्लॉग होगा। हाँ। आज का पेपर देके आप जो जूनियर थे उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने जूनियर को यही बोलना चाहूंगा कि जरा सक्सेना सर क्लास लगाते हैं तो क्लास ना लगाए उनकी जो PDF आते हैं उनके वो पूरे पड़े और जितने भी साइंटिफिक नेम फैमिली ऑर्डर है क्लास के हिसाब से सब कुछ याद कर ले। जरूर है कि और कम से कम इसको 15 दिन का टाइम दे 15-20 दिन लगेंगे इसे तैयारी करने में जब भी आप पास हो पाओगे मात्र पास होने के लिए। आप प्लांटेशन क्रॉप पढ़े आप हॉर्टिकल्चरल क्रॉप पढ़े आप वेजिटेबल क्रॉप पढ़े और फील्ड क्रॉप पर ज्यादा ध्यान ना दे और खासकर मिड टर्म में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करें। 20+ तो होनी चाहिए वरना कोई गारंटी नहीं है कि थ्योरी में 20 आ जाएंगे अच्छे से पढ़ के या ना। तो आज का जो है हमारा रिएक्शन लोगों का ले लिया है अब अगली साल जब बैक का पेपर देने आएंगे फिर उसके बाद एक व्लॉग बनाएंगे एक व्लॉग आपको रिजल्ट के दिन मिलेगा बिल्कुल तत्काल बिल्कुल। तो फिर अब मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग में। बाय बाय है ना ठीक है।